नमाज पढ़ते टाइम मतलब अपने को बीच में जगह चेंज करनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, तो कौन से सुन्नत नमाज के बाद के फर्ज नमाज के बाद? एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, गालिबन उसके रावी मुआविया इब्न अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज से सलाम फेरने के बाद दूसरी नमाज पढ़ने से पहले जगह चेंज करने की बात की है कि जगह जी आप चेंज कर लें, और एक नमाज को दूसरी नमाज से मिलाने से मना किया गया है, दोनों के दरमियान फासला करने की बात की गई है। और ये जो फासला है दोनों नमाज के दरमियान, ये तीन चीजों से हो सकता है। आप तीन कामों, तो ये नहीं कहा जाएगा कि एक नमाज को दूसरी नमाज से मिलाया। पहला काम तो ये कि आप नमाज पढ़ के एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा हरकत करके आप बगल में जी, चले गए किसी और जगह, ये पहला तरीका है। आवाज बराबर नहीं आ दूसरा, रही है, आवाज आवाज अल्लाह क्लियर के है शेख? नबी, आपकी आवाज क्लियर है? अच्छा अल्लाह के नबी आवाज सल्लल्लाहु बराबर नहीं आ अलैहि रही है, वसल्लम अटक ने, रही है आपका आवाज। डब अपना आप डिवाइस चेक अपना कीजिए, नेट चेक कर लें, आप अपना डिवाइस चेक करें, आपका नेट स्लो होगा। हमें आवाज क्लियर आ रही है, और नाजरीन अगर आपको डिस्टर्ब लग रहा है, आपको लगता है कि आवाज कम आ रही है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन हम तक आवाज क्लियर है। शेख अपना जवाब मुकम्मल करें। अगर आपकी आवाज आपको सुनाई देने में प्रॉब्लम हो रही, तो आप इंशाल्लाह स्ट्रीम खत्म होने के बाद पीछे जाकर के वापस से आप स्ट्रीम को सुन लेंगे, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब रहेगा। जी शेख, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजों के दरमियान वस्ल करने से मना किया है। वस्ल मतलब आप इस तरह से नमाज पढ़े कि एक नमाज के बाद आप फौरन दूसरी नमाज शुरू कर दें, इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और इस हदीस पर अमल करने का तीन तरीका है, तीन तरीके से जी आप एक नमाज को दूसरी नमाज से अलग कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप वो जगह बदल लें, एक नमाज से जी आपने सलाम फेरा, आप जगह बदल लें, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि सलाम फेरने के बाद आपने कुछ जिक्रो अजकार किया, ये जो जिक्रो अजकार आप कर रहे हैं ये नमाज के अंदर की चीज नहीं है, नमाज के बाहर की चीज है। तो जब नमाज के जी बाहर का कोई काम आपने कर लिया तो अब फासला हो गया दोनों नमाजों के दरमियान। नमाज के बाद आपने जिक्र अज़कार पढ़ लिया तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि दूसरी वाली नमाज पहली वाली नमाज से मिली हुई है, तो ये फासला हो गया, आपको जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा तरीका ये है कि नमाज से सलाम फेरने के बाद अगर आपने किसी से बात कर लिया तो ये बात करना ये नमाज का हिस्सा नहीं है, ये कोई खारजी चीज है, बाहर की चीज है, तो जी बात करने से भी दोनों नमाजों के दरमियान फासला हो गया। तो इन तीनों तरीकों में से किसी एक तरीके पर आप अमल कर लें।